सत्य ज्ञान। माटी को वो आप चलाए, माटी से सब कर्म कराए, माटी में है आप समाए, माटी क्यों भरमाए। इन सीधे साधे शब्दों में वेद पुराण ही नहीं, उससे भी परे का पूरा ज्ञान आ गया है। जो इन शब्दों में दिन रात रहने का जतन करेगा वो पार हो जाएगा, उसको काल हाथ लगाने का भी जतन नहीं करेगा। जो 24 घंटे इस अनुभव में रहेगा वो जीवन मुक्त है। इस बात को अच्छी तरह से समझने का है। धर्म की रक्षा के लिए ये सुंदर निर्मल पवित्र ज्ञान तुम सबको दे रहा हूँ, ताकि तुम जगत में इसका प्रचार कर सको। रास्ता साफ है, अहंकार को त्यागो, बड़प्पन को त्यागो, माँ मिल जाएगी, बच्चा बनकर रहो। बच्चे में ना बड़प्पन होता है ना झूठा अहम होता है। बिगड़ी बनाने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, भरमाने की कोई जगह नहीं है। जब तक मिट्टी में से झूठा अहंकार नहीं जाता, तब तक ये चूल्हा चोला छूटने के बाद आगे मिट्टी के चूल्हे तैयार रखे हैं। जब तक मिट्टी में मिल नहीं जाओगे तब तक कोई छुड़ा नहीं सकता। आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो अहंकारी जीव को छुड़ा सके। ये हुआ नहीं कि इवन ईश्वर ने भी किसी अहंकारी जीव को पार किया हो। ईश्वर ने जिसको पार करना होता है उसका पूरा अहंकार ले लेते हैं, मिट्टी में मिला लेते हैं, फिर पार करते हैं। अहंकार उठाया, अपने को दूसरों से ऊंचा कुछ जाना, तो फिर ये सब चोले तैयार पड़े हैं। गुम नाम रहने में जो आनंद है वो दुनिया में नाम कमाने में, नाम कराने में नहीं है। गुम नाम सेवा करने में जो आनंद है वो दुनिया में डंका बजाकर करने में नहीं है। जिसके अंदर माँ की दया है वो अपना नाम बाहर आने नहीं देता। बाहर आना मतलब अपना नाम करना। सच्चाई क्या है? ये ग्रंथ मुझ पूरन परमेश्वर के लिखे हैं। खेल मेरा है, बच्चे का नहीं है। फिर नाम काहे का? ईश्वर अपना खेल जानते हैं। गुम नाम सेवा हो रही है तो अहंकार की कोई जगह ही नहीं है। मेरे बच्चे आगे आना नहीं चाहते, वो तो चींटी बनकर रहना चाहते हैं। वो जानते हैं सब ईश्वर का खेल है, फिर ये अहंकार काहे का? फिर क्यों झूठा अहंकार उठाया जाए? अर्पित जीव की निशानी ही यही है। वो अपने लिए न मान चाहता है न इज्जत चाहता है, वो केवल माँ को चाहता है। माँ के बिना कुछ नहीं चाहता। आज मैं जो ज्ञान आप सबको दे रहा हूँ वो बड़ा ऊंचा ज्ञान है। इस अहंकार में ही सारी दुनिया मारी जा रही है। आज जगत में से ये अहंकार चला जाए तो सारी दुनिया ही खाली हो जाए। अहंकार जीव के अंदर नहीं है तो पैसों का ढेर जमा करने की जरूरत ही क्या है? जो बड़ा बनना ही नहीं चाहता वो पैसों के ढेर की तरफ देखता नहीं है। मैंने क्या करना है मुझे, जब मुझे चाहिए ही नहीं कुछ माँ के सिवाय? अहंकार नहीं है
तो बहुत बड़े बड़े महलों में रहने की जरूरत क्या है? अहंकार नहीं है तो एक छोटे से कमरे में ही गुजारा हो जाता है। अहंकार नहीं है तो इस शरीर को सजाने की जरूरत क्या है? अहंकार नहीं है तो इतने लंबे चौड़े खाने की भी क्या जरूरत है? इसी अहंकार ने जीव को 84 में डाल रखा है। इसी अहंकार के कारण जीव 84 के दुख उठाता है। मैं बड़ा बन जाऊं, आज हर कोई तुमसे भी और पूरे जगत से भी, हर किसी की वृत्तियां बड़ा बनने में लगी हुई हैं। बड़ा बनना मतलब 84 की तैयारी। संसार में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक हर कोई अंधकार में घूम रहा है। सब बड़ा बनना चाहते हैं, मिट्टी में कोई मिलना नहीं चाहता। इस अंधकार को कोई खत्म नहीं करना चाहता, जिसमें सरलता और दीनता भरी हुई है। इधर कोई चलना ही नहीं चाहता। आज एक है तो कल 100 हो जाए, कल 100 है तो परसों 1000 हो जाए। जो साधारण बनकर रहता है, दूसरे से अपने को नीचा जानता है, वो जखीरा नहीं करता, धन दौलत जमा नहीं करता, बड़े बड़े महल नहीं बनाता, अपने आराम के लिए नौकर चाकर, मोटर गाड़ियां, ऐशो इशरत का सामान जो जमा नहीं करता, केवल वो ही अध्यात्म में चल सकता है। झूठ, छल, कपट, चोरी, इनके बिना लाखों रुपए जमा नहीं हो सकते, ना मौज मजे के सामान जमा हो सकते हैं। साधारण जीवन व्यतीत करो, साधारण बनकर रहो, गुम नाम बनकर रहो। दुनिया में नाम कमाने की कोशिश मत करो। ये सच्चा निर्मल ज्ञान है, इसको हर रोज पढ़ो। दिन में 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो। ये तुम हर रोज पढ़ोगे तो कभी भटकोगे नहीं। ये तीनों लोकों को पावन करने वाला, कोटि सूर्यों के समान चमकने वाला ये सुंदर ज्ञान मैंने तुमको दिया है। ये ज्ञान वेद शास्त्रों धर्म ग्रंथों के परे का है। इस पर जो सच्चे मन से अमल करेगा वो पार हो जाएगा। ये ज्ञान मैं अपनी सबसे प्रिय आत्माओं को देता हूँ। इस हर रोज इसको पढ़ना चाहिए और अपना जीवन इसमें ढालना चाहिए, तभी यहाँ आने का फायदा है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। समझने का है इस ज्ञान को, जो हर रोज भक्ति भाव के साथ पढ़ेगा वो मेरी पूर्ण दया को प्राप्त होगा। ऐसे श्री महाराज अपनी अपार दया से आज्ञा दे रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान अमृत है। मैंने सब शास्त्रों और उससे भी परे जो ग्रंथ हैं, वाणी है, सब का निचोड़ आज के इस प्रवचन में दे दिया है। जो ये अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा।